दस मुंह के अंदर चेकमेट हुए गेम्स मैं अभी दिखा रहा हूँ। इसका एक पांचवा भाग है और इसमें रॉयल लोपेज ही कंटिन्यू कर रहे हैं और ये सब एक्चुअल खेले हुए गेम्स है। आपको प्लेयर के नाम दिखेंगे। आपका स्वागत है, मैं राजेंद्र साळोखे। तो शुरू करते हैं। रॉयल लोपेज सफेद ने गेम जीता है। e4 e5 नाइट f3 नाइट c6 बिशप b5 रॉयल लोपेज हो गया। नाइट टू f6 तो इसको e4 पॉन को इसने थ्रेटन किया है। e4 को सपोर्ट नहीं है, लेकिन इस परिस्थिति में क्या है कि वाइट कैसल कर लेता है और फिर बाद में जो रुक है वो e1 पे लाते हैं और नाइट को थ्रेट करते हैं और संभावना ये होती है कि ये फाइल ओपन हो जाए और रुक ओपन फाइल के ऊपर सीधा किंग के नीचे आता है। तो इसने भी कैसल किया, नाइट क्रॉस e4 किया और रुक यहाँ पे लाके नाइट को थ्रेट दिया। लेकिन यहाँ पे ब्लैक से क्या थ्रेट है देखते हैं। ब्लैक से, ब्लैक का जो बिशप है f8 के ऊपर, वो अगर c5 पे आता है तो f2 पॉन को अटैक करता है। जैसे f7 ब्लैक का वीक रहता है, वैसे f2 वाइट का वीक रहता है और f2 के ऊपर अटैक करना चाहिए नॉर्मली। लेकिन अभी नाइट को ही थ्रेटन किया है तो ये क्या करता है कि नाइट बचाना चाहता है वो। तो दो मूव हो सकते थे, एक नाइट को बचाना है, नाइट को वापस लेना, और जो रेड कलर एलो से दिखा है नाइट पे, नाइट को वापस लेना d6 के ऊपर, वो अच्छी मूव थी। लेकिन इसने नाइट को बचाने की सोची तो d5 खेला। d5 के बाद d3 थ्रेटन किया नाइट को सीधा, नाइट c5 और नाइट क्रॉस e5। हाँ, ये पॉन इसने मार दिया सीधा। अभी इससे क्या होता है कि जैसे मैंने बताया कि फाइल ये कंप्लीट ओपन हो गई, फुल ओपन, और ये नाइट बीच में बैठा है और किंग और रुक, रुक को किंग से थ्रेट है। अगर नाइट ये हटाया जाता है बीच में तो किंग को चेक लगता है। तो इस तरह के टैक्टिक को डिस्कवरी अटैक बोलते हैं, डिस्कवरी हो गई। अभी ये नाइट है जो आप कहाँ भी हिला सकते हैं, सफेद वाला ये नाइट को मार सकता है, क्वीन को थ्रेट, क्वीन चली जाएगी क्योंकि चेक तो निकालना पड़ेगा। अभी इसको समझ के रोकना चाहिए था उसको, तो प्लेयर ने भी नहीं समझा है। आप देखिए इसको कैसे रोक सकते हैं, क्या कौन सी मूव अच्छी रहेगी। वीडियो होल्ड करके सोचिए। चलो देखते हैं। इसने एक्चुअली खेला a6, इसका कुछ जरूरत नहीं था बिशप को थ्रेटन करने का। ये डिस्कवरी अटैक जो है वो पहले सॉल्व करना चाहिए था और नाइट को, ये तो नाइट हिल नहीं सकता है, नाइट को मार तो नहीं सकते क्योंकि नाइट पिन है किंग के साथ। तो जो c5 के ऊपर जो नाइट था वो अगर e6 पे ऊपर ले आता तो ये चेक को ऑब्स्ट्रक्शन रहता और चेक नहीं लगती, तो वो खेलना चाहता, वो खेला नहीं उसने, तो a6 खेला। a6 खेलने से अभी नाइट क्रॉस c6 डिस्कवरी अटैक, किंग को चेक, कुछ नहीं कर सकता। किंग d7, अभी एक्चुअली क्वीन को मार सकता है यहाँ से, लेकिन और फिर डिस्कवरी चेक लगता है। तो लेकिन इसने अलग तरीके से चेकमेट किया है, तो जरा सोचो फिर वीडियो होल्ड करके कि चेकमेट कैसे हो सकता है इसके अंदर।
तो क्वीन जी फोर चेक दिया, किंग डी सिक्स को लिया और एक मूव में मेड है, बिशप एफ फोर लेके चेक मेड हो गया। अभी यहाँ पे ये पोजीशन थी, थोड़ा पीछे चले जाते हैं। किंग को डी सेवन पे लिया, ये अटैक कहाँ गया, नाइट क्रॉस सी सिक्स, किंग टू डी सेवन। तो दूसरी भी मूव थी कि बिशप ई सिक्स, बिशप अगर बीच में लाता था वो खिलाड़ी तो ऑब्स्ट्रक होता था। जब भी चेक होता है तीन टाइप के उसको चेक रिमूवल की प्रोसेस रहती है, एक किंग कहाँ हिलता है के देखना, दूसरा जिसने किंग के ऊपर अटैक किया उसको मार सकते हैं क्या, और तीसरा बीच में कुछ डाल सकते हैं क्या दोनों के। तो तीनों सोच के फिर उसमें से अच्छा कौन सा सॉल्यूशन है वो लेना चाहिए। ये अच्छा सॉल्यूशन था कि बिशप बीच में ला था, तो इसका ऑब्स्ट्रक होता था, चेक नहीं दे सकता था, मेट अवॉइड होती थी। लेकिन इसने ऐसा नहीं खेला, क्वीन जी फोर प्लस उसने किंग को ही लाया था, किंग डी सिक्स और बिशप एफ फोर चेकमेट। अगला गेम देखते हैं, ई फोर ई फाइव नाइट एफ थ्री नाइट सी सिक्स और बिशप बी फाइव, ये रॉयल ओपेज हो गया। फिर बिशप को सी फाइव पे इसने लिया और एफ टू के ऊपर अटैक करके रखा। हाँ, और ब्लैक को थ्रेट दे के ये कि ये बिशप सेज को मार, नाइट को मार सकता है बिशप, इसका डबल पॉन हो जाएगा, उसमें कुछ हार्म नहीं रहता है रॉयल ओपेज के डबल पॉन में। तो इसने किया, इनफैक्ट बिशप क्रॉस सी सिक्स, डी क्रॉस सी सिक्स, तो एक क्वीन आ गई ओपन फाइल के ऊपर। अभी नाइट क्रॉस ई फाइव इसने किया, तो ये करने से अच्छा था कि कैसल कर लेता, कैसल जितनी जल्दी वो करना चाहिए, और जो पीस है वो एक बार ही लाए तो इमीडिएटली दूसरी बार ओपनिंग में नहीं हिलाना चाहिए। तो नाइट क्रॉस ई फाइव ये कुछ अच्छी मूव नहीं है, लेकिन उसने खेली नाइट क्रॉस ई फाइव। उसके बाद एक क्वीन टू डी फोर लेके आया। अभी क्वीन टू डी फोर ले आने से क्या क्या हो गया देखो, नाइट के ऊपर अटैक है, ये पॉन के ऊपर अटैक है, ये अनडिफेंडेड दोनों है, और सबसे ज़्यादा खतरनाक अटैक है वो एफ टू के ऊपर है। अगर क्वीन एफ टू को मार देती है तो चेकमेट हो देते हैं, तो उसका भी अवॉइड कैसे करने का वो सोचिए। बहुत अच्छा सॉल्यूशन है कि नाइट भी बच जाता है और मेट भी अवॉइड होता है। चलो देखते हैं, ये जो एक्चुअली ब्लू कलर है वो उसने खेला नाइट टू एफ थ्री, और उसको लगा कि क्वीन को थ्रेटन कर रहा है, लेकिन इनफैक्ट क्वीन क्रॉस एफ टू हो गए तो चेकमेट होता है। तो नाइट यहाँ पे लाना अच्छी मूव थी डी थ्री के ऊपर, डी थ्री ऊपर नाइट लाने से ये पॉन को सपोर्ट मिलता था, या क्वीन भी ले जा सकती थी यहाँ क्वीन ई टू के ऊपर। अभी कंप्यूटर ने सजेस्ट किया बेसिक, क्योंकि नाइट भी बचता है ना इससे, नाइट डी थ्री लेने से नाइट भी बच रहा है और ये मेटिंग थ्रेड भी जा रहे हैं। क्वीन यहाँ पे ले तो ई थ्री तो नाइट को मार देगा, तो इसने नाइट एफ थ्री खेला और क्वीन क्रॉस एफ टू और चेकमेट हो गए। तो इस तरीके से हमने देखे कि रॉयल ओपेज के मिनी गेम्स देखे, इससे अब हमको ये पता चलता है कि थ्रेड्स कौन सी है और मेटिंग थ्रेड कौन सी है, और मेटिंग थ्रेड को अवॉइड कैसे करना चाहिए।
और मेटिंग थ्रेड और थ्रेड के ऊपर हमेशा खेलते समय ध्यान देना चाहिए। तो देखने के लिए धन्यवाद, देखते रहे, और कृपया सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए।